ये है धमाका ऑफर, आप 1500 खरीदने पे भी गिफ्ट फूड कूपन्स है रेस्टोरेंट के लिए, 2500, 3500 और 5000 के ऊपर इक्वल वैल्यू का स्मार्ट वॉच है और अल्टीमेट 10000 रुपये पे 10000 का सेलफोन है। नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला मीडिया चैनल जमशेदपुर स्टेट सिटी। फिलहाल अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो केयरवुड की नई पहचान है वो किसे बोला जा रहा था। फिलहाल हम खड़े हैं श्री लेदर्स के शोरूम के पास में और मैं आपको बता दूँ कि आज से ये जो लोकल जमशेदपुर के लोगों के लिए ये खुल चुका है, आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज ये वीडियो किस लिए बना रहे हैं, आज ये वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए कि अगर आप आ रहे हैं एक वॉक थ्रू दे देते कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एसेसरीज, क्योंकि बहुत सारा एक कुछ दिनों से लगातार आपने देखा, अगर आप हमारे पेज को फॉलो करते हैं आप देखा होगा कि हम कवरेज करते आ रहे हैं। तो आज खास करके जमशेदपुर वासियों के लिए एक वॉक थ्रू हम भीतर से शोरूम का करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें कलेक्शन है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे जो सबसे बड़ी बात है कि क्या ऑफ़र यहाँ पर चल रही है। तो त्योहारों का मौसम है और ऐसे में मुझे पता है कि जमशेदपुर वासी को बोलने की ज़रूरत नहीं, उतना एक्साइटेड होंगे ख़रीदारी करने के लिए, चाहे वो फुटवेयर का मामला हो, चाहे वो क्लोथिंग का मामला हो, सब चीज़ भीतर जाके सिर्फ आपके लिए देखेंगे। आइए, तो सर फिलहाल आज हाइप का एंड हो गया, आम लोगों के लिए शोरूम खुल चुका है आपका श्री लेदर्स का, और सबसे पहली चीज़ की जो श्री लेदर में लोग पहले से शॉपिंग करने आए, तो अभी जो यहाँ पर विश्वपुर के के रोड में आ रहे, यहाँ पर क्या एक अलग एक्सपीरियंस क्या लोग माइंड में लेके आए थे? एक्चुअली पहले कमानी सेंटर का भी पिक्चर रहा होगा पिछले 40-45 साल से, माइंड में तो वही लेके आएंगे। कुछ मैं अपने दोस्तों को, पिताजी को बोला तो वो लोग कल ही दंग थे, कह रहे तुम तो कभी बताया नहीं, तुम डेली खाता पीता है मेरे साथ, तुमने कभी बताया नहीं, तुम ये भी बेचता है वो भी बेचता है। मैं सूटकेस बेचता था, किसी को नहीं पता था। खैर वैसे ही ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे जो हमारे रेंज, वैरायटी, सिलेक्शन, लेदर, कलर्स, कैटेगरीज देख के खुद ही, मैं खुद भी थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ एक्चुअली। फिर आस में इतने चारों बेल्ट आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हर एक एक हुक पे एक ही डिज़ाइन लगा हुआ है, मतलब इज ऑल ए यूनिक पीस ऑल टुगेदर, मतलब जितना गिनेंगे उतना वैरायटी है। तो सर की बात में एक सहमत हूँ कि ये मतलब एक हम देख सकते हैं कि रीजनेबल प्राइस में और इतने सारा कलेक्शन, खास करके जब हम बजट पे देखते हैं तो ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा नहीं होते है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कलेक्शन बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल ये जो नीचे वाला सेक्शन में देख रहा हूँ, ज़्यादा लेडीज़ को देखते हुए बनाया गया, यहाँ पर जैसे उधर मैं पर्स का कलेक्शन देखूँ या उधर एग्जीक्यूटिव बैग्स का कलेक्शन, वो वुमेन कलेक्शन है, वो लेदर वुमेन्स कलेक्शन है, वहाँ पे लेदर बैग्स है, यहाँ पे नॉन लेदर बैग्स है। पहले हम लोग करीब करीब 20 साल नॉन लेदर बैग्स नहीं बेचे थे,
फिर वो ये फिर एक मूवमेंट आया कि वीगन वीगन बैग्स वीगन बैग्स, तो हम लोग वीगन बैग्स तो मतलब सिंथेटिक बैग्स होता है, सो हाई क्वालिटी सिंथेटिक बैग्स बनाना आसान नहीं, तो उनको बनाते बनाते हमें भी एक दो साल लग गया। तो फाइनली जब वो आया तो बाकी सब स्टोर में सब बिक ही रहा था, ये दो तीन साल से अच्छा बिक रहा है अभी। ये जो प्रोडक्ट आपने क्या क्या चैलेंजेस, थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि लोग आ रहे तो एक जानना चाहिए, क्योंकि ये जमशेदपुर की चीज़ है, टाटा स्टील के बाद अगर हम जानते हैं आज के टाइम में तो उसकी लेदर से, और ये चैलेंजेस के बारे में जानना चाहेंगे कि इतने सारे कलेक्शन और इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली हमारे जो कस्टमर्स है इतने सालों से है, वो एक्चुअली हम लोग से एक्सपेक्ट नहीं करते, डिमांड करते हैं, और वो एक्सपेक्ट ये भी करते हम लोग डिमांड पर खरा उतरेंगे कि अगर तुम्हारे पास महंगा जूता नहीं है तो क्यों नहीं है, हम कितना साल वही पहने। हम लोग तो मिडिल रेंज के लिए 599 690 का शूज़ हमेशा से रखते थे, तो इतना रिसर्च के लिए लिखा पढ़ी किए तो पता चला इतना आदमी डिमांड कर रहा है कि देखो वो ज़माना गया, मेरा बेटा भी वही जूता पहना, मैं भी वही पहना, अब अभी हमें कुछ नया चाहिए, लैक ऑफ ऑप्शंस। तो वो सब सोच समझ, हम लोग तो डरते थे कि सेल ना गिर जाए, यू नो रेपुटेशन ना खराब हो जाए, ब्रांड का नाम ना खराब हो जाए कि दाम बढ़ गया, जिसे पूछ रहे ना बड़ा शोर में दाम तो नहीं बढ़ गया, सब कोई पूछ रहा है, वो डर हमेशा से हमेशा रहता है। बट अभी कस्टमर है स्टार्टेड डिमांडिंग कि आप यू गिव मी अ बेटर प्रोडक्ट, टेक मोर मनी फ्रॉम मी बट गिव मी अ बेटर प्रोडक्ट, उसी थॉट प्रोसेस से हम लोग प्रीमियम वो लॉन्च किए हैं। जैसे हमारा जो प्रीमियम बेल्ट्स है वो इटालियन स्पेनिश हाइट पे बनता है, ठीक है, वो उसका बेल्ट का प्राइसेस यूरो के साथ ऊपर नीचे जाता है। तो हम लोग जब बुक करते हैं, हम लोग कंटेनर बुक करते हैं, ऑल अगर कल यूरो का प्राइस बढ़ गया और मेरा ऑर्डर आज निकला है तो वो बेल्ट रातों रात महंगा हो गया। अब ये पब्लिक तो ये नहीं जानना चाहेगी, पब्लिक तो बोलेगी मनी बता, तो इन दोज बेल्ट्स आर 800 रुपीज़ ओनली, जो बाजार में यू विल प्रॉब्ली गेट फॉर 2000-2500, एंड देर इज ओनली वन बिग इम्पोर्टर, उसी से डायरेक्ट काम करते हैं। तो देर आर मेनी चैलेंजेस लाइक दिस, सोल्स लाना, मटीरियल्स लेके आना, तो प्रोडक्शन करवाना टाइम पे, ये सीजन टाइम है, टाइम पे स्टॉक घुसाना, आपको पता ही है चारों अभी कलकत्ता जमशेदपुर के बीच में जैम लगा हुआ था हमारा आधा सामान उधर फंस गया, कभी वहाँ से फ्लाई किसी को जंगल रास्ते ले आ रहा, हमारे विमेन ढाकीज फंस गए थे वहाँ पे, उनको जंगल के रास्ते आना पड़ा, 2-2.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया जो रसगुल्ला लाया था वो 8 घंटे लग गया आते आते रसगुल्ला भी बंगाल से आ रहा देख ये चीज़ है कि और एक चीज़ सर जानना चाहूँगा कि जैसे इस बार जो एक नया सेक्शन ऐड हुआ जो क्लोथिंग जो एक्टिव है जो आजकल यूथ बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो रैपिड ड्राई जल्दी सूख जाते इस तरह के कपड़े, तो वो थोड़ा सर उधर साथ कलेक्शन थोड़ा देख लीजिए सर, जो एक्टिव वेयर का कलेक्शन है ये चीज़ है कि यूथ काफ़ी पसंद कर रहे हैं इनको, जो जितने कम्फर्टेबल होते हैं जितने जल्दी सूख जाते हैं, तो ये चीज़ है कि अभी जो इसको जो लॉन्च किया गया सबसे पहले ये चीज़ है कि प्राइस रेंज का क्या इसमें, ये प्राइस ये 389 से चालू होता है, 389 से चालू होता है और उसके ग्रेजुअली ये बढ़ती है, और ये जो है ये ड्राई फिट है, और ये बेसिकली ये ड्राई फिट जो कॉलर्ड शर्ट होती है ना, ये पोलो है, ये गोल्फ वगैरह के लिए यूज़ होती है, बट तो हम लोग इसको ऐसे एज अ ट्रायल लॉन्च किया है, तो टी शर्ट तो बहुत अच्छा बिक रहा है ऑलरेडी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें रीऑर्डर देना पड़ा है बिफोर द लॉन्च, हमारे पास जगह नहीं थी, बाकी सब स्टोर इतना बड़ा बड़ा था कि वहाँ प्रोडक्ट्स जा चुकी थी, तो उनका भी डिमांड था, हमारे सब रिटेलर भाई लोग आए हुए हैं सर आप लॉन्च तो कीजिए किसी को पता ही नहीं है, फिर शॉर्ट्स आया है, अभी ये एक्चुअल ड्राई फिट है, इसमें थोड़ा लाइक्रा मिक्स्ड है, और ये जो होता है एक रेडियम टेप होता है, दिस इज बेसिक फॉर रनर्स, जब पीछे दौड़ रहे पीछे से गाड़ी एथलीट, ये रेडियम होता है शाइनिंग के लिए, ये रात को जलती है, सपोज आप सुबह सुबह दौड़ रहे सुबह 3-4-5 सूरज नहीं निकला है, अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रहा तो ये रिफ्लेक्टिव आपको दिखाई कोई इंसान वहाँ जा रहा है तो आदमी बचा के चलाए गाड़ी, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, पहले हम लोग सोच रहे थे ये क्यों दे वो क्यों दे, ये भी आप देखिएगा जाए कोई सामने सर है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टेप दिया हुआ है, इसका देने का कारण यही है सो दैट पीपल कैन सी इट, हम लोग ब्रांडिंग को देखिएगा तो एकदम मिनिमलिस्टिक रखें, दौड़ने में देखिए साइड में यहाँ रेडियम टेप दिए, ब्रांडिंग अभी देखिएगा तो एकदम मिनिमलिस्टिक रखें, छोटा सा यहाँ पे रखें ये भी रेडियम टेप से, खाली यहाँ टी शर्ट पे हम लोग हल्का सा ब्रांडिंग रखे हैं, और ये चीज़ है कि ये अपने में एक चैलेंज है कि जब हम ऑनलाइन इस तरह के जो कपड़े होते हैं जो एक्टिव वेयर होते हैं इनके प्राइसेस जो रहते हैं काफ़ी हाई रहते हैं, लेकिन एक अफोर्डेबल रेंज में हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आम लोगों तक पहुँच रहा है, इवन लोग जिम वगैरह करते हैं एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है, और टेक्निकली ये रनिंग टी शर्ट है, आपको बता दूँ रनिंग के लिए अलग होता है, पावर लिफ्टिंग के लिए अलग टी शर्ट होता है, कंप्रेशन होता है उसमें, और शटल के लिए अलग होता है, लॉन टेनिस के लिए अलग होता है, गोल्फ के लिए अलग होता है, क्रिकेट के लिए तो डेफिनेटली अलग होता है, फुटबॉल के लिए भी अलग होता है,
अभी धीरे 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 ये रनिंग का हम लोग चालू किए हैं अभी धीरे 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 और हम लोग एग्जीक्यूटिव वैक्स का हम कलेक्शन थोड़ा देखा, मैंने भी कल देखा था, तो सर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना चाहेंगे इसके। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट लाइक जस्ट ये बेसिकली हर एक बेल्ट को दिखाने की कोशिश किया है इन अ पिकुलियर मैनर। आज ऐसा भी होता है कस्टमर, हम लोग ये मेरा दूसरे स्टोर में इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, पब्लिक खोल के इसी को मांगते हैं, बिकॉज ये लाइट में अलग दिखता है, वो लाइट में अलग दिखता है, तो इसी से गला से खोल लेते हैं, सर से खोल लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे देखिएगा चार पांच बेल्ट यहाँ से गायब होगा, गिर जाएगा दो तीन। ये जो एग्जीक्यूटिव बैग है ना, ये पिछला मैं ही बताऊँ आपको, 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये 2000 के प्राइस रेंज पे बिक रहा है। आज भी ये वही 1795 का है, क्योंकि ये प्योर लेदर का है। अब देखिए ये ब्रास फिटिंग विटिंग मिलता नहीं है अभी, और क्योंकि ये प्योर लेदर का, इसे कुछ होता भी नहीं है, चोट खा के थोड़ा बहुत साइड घिस जाएंगे, कुछ नहीं होता है। और पब्लिक थक हार के, मेरे दोस्त थी 40-50 चार पाँच साल बाद फिर नया लेते हैं। और इसमें ये देखिएगा, इसका ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम क्वालिटी लेदर हम लोग यूज़ किए हैं। ऐसा तीन है, इसका तीन कलर्स है, एक ये टैन है, एक ये है, और सॉरी इसका चार कलर्स है, एक ब्लैक है और एक ब्राउन भी है। तो ये हमारा प्रीमियम कलेक्शन है। एग्जीक्यूटिव बैग्स जो होते हैं, इनका प्राइस पूछना वाजिब नहीं है, क्योंकि जो लोग लेते हैं वो तो खुद देख के ये होता है प्रीमियम, लेकिन फिर भी आप बाजार में जाइएगा तो ये 15,000 का है, ठीक है, और नॉर्मल रेंज 6-7,000 के नीचे नहीं आता है। ये लेदर, इसको क्रंच लेदर, ये एक्सपोर्ट का लेदर, ये क्रंच लेदर बोलते हैं ये, और ये भी प्रीमियम कलेक्शन है। ये हाई एंड टम्बल ड्राइव बोलते हैं इसको, लेदर प्रोसेसिंग का ये तरीका होता है। तो आई थिंक हम लोग जितना एग्जीक्यूटिव बैग बेचते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल में, शायद ही कोई और बेचता होगा। मैंने भी मतलब देख के मैं थोड़ा शॉक हो गया था कि जमशेदपुर में एग्जीक्यूटिव बैग्स का कलेक्शन शायद ही आपको मतलब वो भी जेन्युइन इतना देखने को नहीं मिलेगा, पूरा इंडिया में नहीं मिलेगा, पूरा इंडिया में। आप एक रिटेलर का नाम बताइए जो लेदर एग्जीक्यूटिव का बैग बेचता हो और वो 2000 में बेचता हो, आप बता के दिखाइए। आपका एक नाम भी याद नहीं आएगा, जूता वाला तो मिल जाएगा फिर भी ये नहीं मिलेगा। ये लेदर के स्लिंग बैग्स, लेदर में स्लिंग बैग बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, पर क्योंकि हम लोग सिनर्जीज कैसे मैच करता है, हम लोग ये बैग बना रहे हैं, यही फैक्ट्री में ये बैग बन रहा है, इस हर लेदर का मैन्युफैक्चर 20% वेस्टेज होता है, वेस्टेज से बना के जो पैसा बचता है, लेदर वेस्ट ना जाए, पूरा का पूरा हाइड करता है, उसके बाद ये बनाता है। देयर इज अ रीज़न बाइक और बना नहीं पाता ये सब, स्पेशली इसके लिए लेदर ये करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक ड्रम में 3,000 स्क्वायर फीट बनता है, आप कितना ही बैग बेच लीजिएगा, 7,000 रुपये में बेचिएगा तो सेल में फेंक देता है, उसका कॉस्टिंग इसमें ऐड कर देता है, गेट इट। तो इसलिए देखिएगा लेदर, देखिए सेम है, और से देखिए ठीक है, फिर हम लोग का स्केल तो है ही प्रोडक्शन का, ये फिटिंग्स विटिंग्स ले लाके, तो ओवरऑल इट वर्क्स आउट फॉर अस। और ये करने में रातों रात नहीं हुआ है, ये 10-20 साल से करते जाके हुआ है। और सर एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जो ट्रॉलीज की जो कलेक्शन है, ट्रॉलीज मतलब अभी मैं देख रहा हूँ कि ये अभी एड ऑन हुआ है इस पर, ये सूटकेसेस है, तो इसके अंदर और एक सूटकेस, ये 4-व्हील ट्रॉली है, पहले 2-व्हील हुआ करता था तो हम लोग उसको ऐसे टांगते थे, ऐसे टाने से क्या यहाँ डैमेज हो जाता था, फिर उन्होंने 4-व्हील की, मतलब इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बैगेज एंड ट्रॉलीज, वो ये सबसे बड़ा साइज़ है, उसके नीचे और उसके नीचे केबिन साइज है, वो सब है हम लोगों के पास, वो सब है एट अफोर्डेबल प्राइस, ये 3,600 का है। ये सब स्पेशली हमारा प्रीमियम कलेक्शन के लिए हम लोग लेके आए हैं, ये लेदर का बड़े बड़े बैग, टोट बैग्स, ये सब भी ख़राब नहीं होता है, मतलब पीपल गेट सेकंड टायर्ड ऑफ इट, तो यूज़ करना बंद कर दे, पर ये ख़राब नहीं होता है। तो ये बहुत बारीकी से हम लोग पास करते हैं, और ये इसमें डिज़ाइनिंग मेरी वाइफ वगैरह देखती है, ऑल द वुमेन वेयर, मेरी सिस्टर भी देखती थी जब वो यहाँ पे थी, और उसका उसी लेदर का देखिए स्लिंग बैग, अब अगर गौर से देखिएगा तो ये लेदर वही लेदर मैच करेगा, द कॉस्ट ऑफ लेबर प्रोड्यूसिंग बोथ आर द सेम, इसीलिए आदमी छोटा बैग बना नहीं पाता। अगेन हम लोग का स्केल है, उसलिए हम लोग ये कर पा रहे हैं, ये देखिए वो देखिए, और बिलीव इट नॉट, ये बैग लेके हम लोग पैरिस ना कहाँ गए थे, तो कोई टूरिस्ट पूछा कि व्हाट ब्रांड इज दिस, फ्रेंच में बोले माई वाइफ बोली है अपना ही ब्रांड है, तो उनको लगा कि शी इज़ अ डिज़ाइनर, यू कैरी ओन बैग्स, पैरिस में तो उसको पता नहीं था ना श्रीदस क्या है, तो इतने खुश, वो तो मांग रही थी वहीं रोड पे, बोला नहीं नहीं आई विल सेंड इट टू यू, मैं उसका एड्रेस लेकर उनको भेज दिया दोबारा,
काफ़ी मुझे खुशी की बात होती है कि जब आपके जो होम टाउन जो ब्रांड है और उसको जब एक इवन बाहर के लोग भी इसे बोलते कि और इवन एक तो अच्छा बोलना दूसरे मांगना आप दे दीजिए मेरे को आप ही कह तो क्या है यू आर अ डिजाइनर योरसेल्फ आप दे दीजिए जैसे ये चीज़ें मतलब चीज़ें बोलो मतलब कलेक्शन इतनी सारी कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कितनी सारी चीज़ें मैं खरीदूंगा ये हम लोग वेडिंग सीजन में लाते हैं पोटली ड्रेसेस वगैरह के साथ भोजन अगेन पब्लिक डिमांड करते हुए हम लोग को तो पता भी नहीं था ये सब चीज़ें होता है एक्चुअली एवरी बिजनेस में ना बोलते ना हर एवरी सक्सेस में देयर इज अ वुमन बिहाइंड हर इज अ रीज़न ये सब लाइन अभी सारा वुमेन हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग डिसाइड करते हैं हेडेड बाय माई वाइफ ये सब मैं देखता भी नहीं हूँ एक्चुअली मैं सारा ध्यान लेदर पे ही देता हूँ और वर्किंग वुमेन के लिए क्या चाहिए बैग कितना बड़ा हो चाहिए पानी का बोतल घुसना चाहिए छाता घुसना चाहिए हम लोग तो इतना दिमाग नहीं दौड़ाते हम लोग चीज़ों को देख के वो हाँ तो वॉट एवर इज प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड फॉर देम वैसे ही डेवलप होता है और जैसे स्कूल बैग्स का जो कलेक्शन स्कूल बैग्स तो पहले से आते रहे लेकिन अभी जो कलेक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है तो स्कूल बैग्स में और कुछ नई चीज़ें वहाँ पर एड ऑन हुई है जैसे ट्रैकिंग बैग्स है हर एक स्कूल बैग में अभी लैपटॉप बैग्स भी आता है डिज़ाइन टू फिट ईच एंड एवरी लैपटॉप मतलब 31 इंच से लेकर 33 इंच से लेकर जितना बड़ा हो सके सब कुछ घुस जाता है स्पेशलाइज्ड बैग्स ट्रैकिंग दो बैग्स है हम लोग के पास वो क्या लीटर में मेजर करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा चलता है अगेन उसका भी एडवर्टाइजिंग बंद कर दिया हम इतना बिकता है हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं ऐसा ढेर सारा प्रोडक्ट्स है जिसका हम लोग एडवर्टाइजिंग एज अ मैटर ऑफ एडवर्टाइजिंग ओवरऑल थोड़ा कम कर दिए वी आर अनेबल टू मीट अप कोप अप विद द डिमांड अब ये स्टोर के बाद भगवान ही जाने क्या होगा ओनली एड प्रेशर टू आवर लाइन पर ठीक है चलेगा और एक चीज़ जो सर है कि शूज़ का जो कलेक्शन है कल मैंने तो पर्सनली विजिट कर लिया था ऊपर में जो ऊपर में मेंस का जो शूज़ का जो कलेक्शन है तो एक है कि मतलब पहले जो देखने को मिल रहा था उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड होने खास करके जो आजकल के टाइम में जो एथलीजर कलेक्शन जो चल रहा है अभी और उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो शूज़ के जो कलेक्शन है बहुत सारे वैरायटी रनिंग के लिए अलग शूज़ हो गया वॉकिंग के लिए अलग शूज़ बहुत तमाम तरह का तो थोड़ा शूज़ का कलेक्शन आपके साथ देखना चाहेंगे कोई दिक्कत चलिए शूज़ का कलेक्शन देखने से पहले एक ज़रूरी बात पर आ जाते हैं बहुत लोग एक्साइटेड भी होंगे कि जो ऑफ़र की बात आती है जब और पूजा में आप शॉपिंग करें और ऑफ़र ना हो ऐसा हो नहीं सकता तो फिलहाल यहाँ पर भी कुछ ऑफ़र है तो सबसे पहले ये जो आप फ़ोन पकड़े ये आपने खरीदा या कहाँ से मिला थोड़ा लोगों को बताएंगे और सबसे पहले नाम बता दीजिए मेरा नाम राहुल जायसवाल है ये प्रोडक्ट मुझे 10,000 शॉपिंग पे एक 10,000 का मॉल गिफ्ट मिला हुआ है 10,000 का मॉल गिफ्ट मिला हुआ है तो ये जो आपने 100% गिफ्ट है मुझे 100% इसे गिफ्ट में कि आप भी यहाँ 10,000 का शॉपिंग कर सकते हो 10,000 का ये फ़ोन आपको हाथों हाथ मिल जाएगा और भी बहुत सारे ऑफर हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑफर हैं ये चीज़ है भाई कि इतना क्रेजी ऑफर मैंने तो पहले कभी नहीं देखा कि भाई आप जितने रुपये के शॉपिंग कर रहे हो उतने रुपये का गिफ्ट आपको रिटर्न गिफ्ट मिल कैसा लग रहा है पहले दिन बहुत अच्छा लग रहा है प्लस एक्चुअली इसी लेदर नामी है कब से शॉपिंग कर रहे हैं आपके लिए 4 साल से इसीलिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ऐसे तो बहुत अच्छा अच्छा बनाता है ऐसे नाम ही इसका वर्ल्ड का प्राइस सही दाम में अच्छा प्राइस अच्छा क्वालिटी मिलता है आपको क्रेज आप देखो लोग जमशेदपुर के लोगों की पहले दिन की शॉपिंग कर रहे हैं और पहले दिन ही 10,000 की शॉपिंग कर रही है ये अपने में एक बहुत मतलब क्या बोल मैं एक्साइटेड बयान नहीं कर सकता कलेक्शन देख सकते हैं इधर मेंस फुटवेयर इधर लेडीज फुटवेयर और 10 बजे यह शॉप खुली है आप थोड़ा भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग क्रेजी है शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर और फिलहाल यहाँ पर हम देख पा रहे जो मैं नीचे बता रहा था कि जो शूज़ का जो कलेक्शन है यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर यहाँ से लेकर पूरा उस रैक तक आपको यह शूज़ का कलेक्शन तो सर शूज़ में इस बार क्या आपने क्या चीज़ सोचा जैसे मुझे बहुत सारे अलग अलग तरह के शूज़ देखना मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ अच्छा ढेर सारा स्पोर्ट्स शूज़ का नया क्वार्की कलेक्शन आया हुआ है और उधर एक बार पैन कीजिएगा तो उधर देखिए ये ड्राइविंग रेंज मतलब कैजुअल शू बोलते हैं इसको और लोफर्स बोलता है इसको ये रेंज भी पहले इतना हम लोग के पास नहीं था दो चार ही था तो ये हर किस्म हर कलर देखिए मरून कलर है स्वेड में ब्लू में है टैन का डिफरेंट शेड्स वैरायटी है डबल टोन में है तो ये भी बहुत अच्छा कर रहा है कैटेगरी अगेन इसको डिस्प्ले करने का जगह नहीं था फॉर्मल इनफॉर्मल कैजुअल सबके साथ कैजुअल और फॉर्मल बेसिकली जीन्स के साथ पहना जाता है और ड्राइविंग शू का नाम आता है आदमी समर सीजन इसको पहन के गाड़ी चलाता है क्योंकि विंटर में सॉक्स पहनना पड़ता है बूट्स पहनना पड़ता है जहाँ बारिश बर्फ बर्फ होती है तो ये ड्राइविंग शू वहाँ से इसका नाम आया पर है ये लोफर्स और ये जो कलेक्शन है ज़्यादा अपीलिंग लग रही है
स्पोर्ट्स हाँ। ये अभी जो कलेक्शन में मतलब और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड की अभी अभी एज ऑफ पहले तो 10-20 था, अभी एज ऑफ टुडे 40-45 डिजाइन है। ओके, तो धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे हम लोग। और ये प्राइस रेंज इसकी क्या रहने वाली है? इसका प्राइस रेंज चार्ज होता है 680 से 1100-1200 तक जाती है। इसको ये EVA सोल है, एज लाइट एज इट गेट्स, और इसको निटिंग मशीन से बनती है। ये नया टेक्नोलॉजी है, तो देखिए हर एक ब्रांड ये यूज़ करता है आजकल, तो ये निटिंग अपर से बनती है ये। हाँ, मोस्टली वॉकिंग, नॉट रनिंग, बट रनिंग के लिए आपको लेस चाहिए होगा। हाँ, ये वॉकिंग का एनी अदर पर्पज, घूमिए फिरिए सारा दिन घूमिए इसमें। वैसा निटिंग अपर्स का ढेर सारा सामान आप देखिएगा, और रनिंग का स्पेशलिटी निकल रहा थोड़े दिनों में। बता दें कि ऑफर्स की जो बात है, अभी जैसे 10,000 की शॉपिंग पे 10,000 का फोन, तो एक ऑफर्स के बारे में लोगों को एक आइडिया, क्योंकि उसके बारे में लोग काफी एक्साइटेड है कि ऑफर्स के बारे में जानने। हाँ, मुझे नहीं पता था इतना एक्साइटेड। ये है धमाका ऑफर, आप 1500 खरीदने पे भी गिफ्ट फूड कूपन्स है रेस्टोरेंट के लिए, 2500, 3500 और 5000 के ऊपर इक्वल वैल्यू का स्मार्ट वॉच है, और अल्टीमेट 10,000 रुपये पे 10,000 का सेल फोन है। काफ़ी अमेजिंग है कि इतना कुछ, मतलब जितने की आप शॉपिंग कर रहे हो उतने का आपको या तो वाउचर मिल जा रहा है या फिर उतने का स्मार्ट वॉच मिल जा रहा है। ये डिज़ाइन ही नहीं किया गया था कि सेल बढ़ाने के लिए, ये हमारे तरफ से हमारे कस्टमर्स को गिफ्ट, जमशेदपुर वासियों के लिए गिफ्ट था कि आप ये ऑफर कब तक तीन दिन तक 25, 26, 27 तीन दिन तक ये ऑफर है। आप भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं कि आप सेल लेदर्स मारे तो देर मत कीजिए, जल्दी से आ जाए, क्योंकि 25, 26, 27 तीन दिनों तक ही ऑफर है। और आकर यहाँ पर जो, क्योंकि आप देख सकते हैं भीड़ ऑलरेडी इतनी, हो सकता है कि फिर तब तक कुछ ना बचे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक बार श्रीलेदर आकर ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैं तो बचपन से यहाँ शॉपिंग करता रहा, मैं अभी भी करूँगा। और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें और आपको ऐड ऑन करनी है, क्या क्या चीज़ें और आपको अच्छी लगेगी, सजेशन। अगर कुछ मिसिंग है तो हम लोग उसको ज़रूर जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो भी तो कल बना ही देंगे इसको, आज नहीं तो कल बनी जाएगा। बिल्कुल, तो ये कमेंट में आपके फीडबैक जो है जरूरी रहेगा, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, बहुत जरूरी है। और स्टोर की टाइमिंग क्या रहेगी? 10 से 9। और एक बार फिर से मैं एड्रेस बताता हूँ, विष्णुपुर के रोड महिंद्रा शोरूम के अपोजिट में आपको ये श्री लेदर का शोरूम महाराष्ट्र मंडल के पीछे मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कैमरामैन KW के साथ मैं अभिषेक, धन्यवाद।